नमस्ते दोस्तों, अलीगढ़ में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको गंजेपन के लिए घरेलू प्रयोग 3-4 बताऊंगा, और वो प्रयोग इतने अच्छे हैं कि आसानी से आप बहुत कम खर्चे के अंदर उनको कर सकते हैं। और अगर आपने ये प्रयोग 2 महीना कर लिया तो गंजेपन की बीमारी से आप निजात पा जाएंगे। देखिए, घरेलू प्रयोगों को कमज़ोर ना आंकें, ये नहीं समझें कि इस चीज़ को हम जानते हैं क्या होगा। होगा वो ही जो मंजूरी खुदा होता है। अपन जानते हैं कि गेहूं है ये, फिर भी गेहूं की रोटी खाने से ही पेट में शांति आती है, तो उसमें गुण हैं। इसलिए पहले मैं स्लाइड सामने करता हूँ, फिर थोड़ा ये रोग किस तरह से क्या होता है प्रकाश डालूंगा, उसके बाद मैं घरेलू औषधियां आपको बताऊंगा। हाँ, गंजापन ठीक होगा घरेलू प्रयोग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आज के इंसान को दिमाग के अंदर बहुत टेंशन रहती है। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उनको सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। अपने ऑफिस में टाइम पे जाना या नहीं जाना, अपने बॉस नाराज हो गए तो उनकी चिंता, इसके अलावा घर के अंदर गैस ख़त्म हो गई, वो हो गया, ये हो गया, तो एक आदमी के दिमाग में इतनी टेंशन होती है। ये एक प्रमुख कारण है गंजापन का। जो आदिवासी लोग हैं अथवा जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, जो सड़कों पे अपना डेरा लगा के मेहनत और मजदूरी करते हैं, मैंने उनमें से किसी को एक को भी गंजा नहीं देखा। क्योंकि उनको न बिजली का बिल भरना, न नल का बिल भरना, और न कोई इनकम टैक्स देना, न कोई सेल टैक्स देना। उनका खुले के अंदर ही डेरा है, और वो सब भगवान के भरोसे रात और दिन प्रकृति की गोद में रहते हैं। 24 घंटा ऑक्सीजन के अंदर रहते हैं, और खाने के अंदर उनको कहाँ फल और फ्रूट नसीब होंगे, इसलिए उनके पेट में कोई केमिकल नहीं जाता। और वो सूखी रोटी और लहसुन और चटनी, इनसे ही अपना प्यास से गुजारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में कोई टेंशन हो और हो तो उससे बचना चाहिए। देखिए, आज के ज़माने में कहना आसान है, आदमी बच नहीं सकता, फिर भी कोशिश तो कोशिश ही होती है। हाँ, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, हमारे भोजन के अंदर कतिपय ऐसे मिश्रण जो मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका गंजापन विरोधी प्रभाव होता है। अपने खाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो गंजापन दूर कर सकते हैं, ऐसे तत्व जो गंजापन दूर कर सकते हैं, वे हैं जिंक, कॉपर, लोह तत्व और सिलिका। जिंक में गंजापन नष्ट करने वाले तत्व पाए जाते हैं। केला, अंजीर, बैंगन, आलू और स्ट्रॉबेरी में जिंक की संतोषप्रद मात्रा होती है। कॉपर या तांबा हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और बालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। रक्त में हेमोग्लोबिन की वृद्धि के लिए कॉपर सहायता करता है। दालें, सोयाबीन आदि में भी कॉपर के तत्व यानी कि तांबे के तत्व पाए जाते हैं। लोह तत्व है जो बालों की सुरक्षा और पोषण के लिए अति आवश्यक है। वो लोहे के तत्व आपको मटर, गाजर, चिकोरी, ककड़ी, पालक इत्यादि में आपको खूब प्राप्त होगा। अतः अपने भोजन के अंदर इन चीज़ों को आप सम्मिलित कर लीजिए। अब मैं आपको 2-3-4 घरेलू उपचार जो जिससे गंजापन में लाभ मिले और गंजापन खत्म होए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर 1, उड़द की दाल को उबाल कर पीस लें और रात को सोते समय इसकी पिष्टी का लेप कर कुछ
कुछ दिनों करते रहने पर गंजापन समाप्त होता है। दूसरा जो नुस्खा है, मेथी को पूरी रात भिगो दें, सुबह उसे गाढ़ी दही में मिलाकर बालों और जड़ों में लगाएं, उसके बाद बालों को धो लें। इससे रूसी और त्वचा की समस्या ठीक हो जाएगी। मेथी में निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए सूखे और डैमेज बाल भी इससे ठीक हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ भी होती है। नंबर 3 नुस्खा जो है हरा धनिया। हरा धनिया बाराही महीना आता है। हरे धनिया का लेप जिस स्थान पर बाल उड़ गए हैं वहां करने से नए बाल उगने लग जाते हैं। चौथा जो नुस्खा है मुलेठी। मुलेठी को आप सब जानते हैं जो पान वाले डालते हैं। थोड़ी सी मुलेठी को दूध में पीस कर फिर उसमें चुटकी भर केसर डालकर पेस्ट बना करके और रात को सोते समय लगाने से गंजापन ठीक होता है। इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन इतना महंगा नहीं है, इतनी तो चाय पी जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी मुलेठी को दूध में पीस करके फिर उसके अंदर जरा सी आप चुटकी भर का, मतलब इतना नहीं, इतना इतनी सी केसर उसमें डाल करके और पेस्ट बना लें और रात को सोते समय आप लगा लें, इससे गंजापन दूर होता है। इसके अलावा केला, अगला जो नुस्खा है केला। केला भी बड़ी काम की चीज़ है। आजकल केले के बहुत ठेले, खूब फ्रूट भरे हुए हैं, केला खूब आ रहा है इस वक्त। केले का गूदा निकालकर उसे नींबू के रस में मिलाकर सिर में लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है। अनार, अनार भी अभी खूब आ रहे हैं। अनार की पत्ती पीस कर लेप करने से भी गंजेपन में लाभ मिलता है। प्याज, प्याज बाराही महीना आता है। एक प्याज को काट कर उसके दो हिस्से कर लेवें और एक हिस्से को सिर के ऊपर 5 मिनट, जहाँ गंजापन है उसको रगड़ें, सिर्फ 5 मिनट। रोज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल आने लगेंगे और गंजापन आपका ठीक होगा। ये हुए घरेलू नुस्खे। अब मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको जो मैंने पहले बताया शुरू शुरू के अंदर कि एक तो टेंशन और तनाव से आदमी को बचना चाहिए, दूसरा मैं ये बताता हूँ कि जो सामर्थ्यवान हैं यानी कि जिनको भगवान ने 2 रुपये हाथ में दिए हैं वो अखरोट का तेल सिर के ऊपर लगाएं, ये गंजेपन के अंदर बहुत लाभ करता है, है ना। अखरोट का तेल, और अखरोट का तेल बाजार से नहीं लें, जहाँ 100% आपको शुद्ध मिले वहाँ लगाएं। अखरोट का तेल लगाने से बालों का गिरना रुक जाता है, बाल घने होते हैं और नए बाल आने लगते हैं। थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन कितना साग लगाना पड़ता है। इसके अलावा बादाम का तेल अगर असली है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बादाम से भी बेहतर रिजल्ट मेरे को अखरोट के तेल के मिले हैं, तो मैं खुद अखरोट का तेल काम में लेता हूँ और मैं खुद ही बनाता हूँ। इसके अलावा होम्योपैथिक के अंदर सेलिनियम नाम की दवा है। सेलिनियम गंजेपन की और जिनके बाल झड़ते हैं इसकी एक प्रमुख दवा है सेलिनियम। सेलिनियम को 200 पोटेंसी के अंदर हफ्ते में 2 खुराक लेनी चाहिए। देखिए ये सेक्स पावर को तो बढ़ाती है, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, और सेलिनियम 200 गंजेपन में और बाल झड़ने के अंदर बहुत मददगार दवा है। इसकी 200 पोटेंसी 3-3 दिन में लेवें, यानी कि हफ्ते में 2 खुराक लेवें और लगातार इस तरह 2 महीना या 3 महीना लें तो बालों का झड़ना 100% रुकेगा और आपको लाभ मिलेगा। दूसरी दवा जो होम्योपैथिक की है शीपिया।
सीपिया के अंदर कहीं बुक्स में कोई देखेगा तो लिखा हुआ नहीं है कि ये गंजेपन में काम आती है, लेकिन मेरा अनुभव है सीपिया 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 या 2 महीना लेने से गंजापन में लाभ होता है, बालों का झड़ना रुकता है और कोई साइड इफेक्ट बेड इफेक्ट नहीं। वैसे सीपिया अधिकतर स्त्री रोगों की दवा है और जिन बहन बेटियों के बाल गिरते हैं उनके लिए तो वो अमृत के समान है, लेकिन वो पुरुषों के ऊपर भी अपना काम करती है। तो दोस्तों, मैंने आपको होम्योपैथिक की दवा बताई और घरेलू आपको 2-3-4 नुस्खे दिए और लगाने के लिए आपको अखरोट का तेल बताया। इसके अलावा और जो तेल बाजार के अंदर आते हैं तो वो सब तिल के तेल के अंदर बनाते हैं, तो तिल का तेल उनको भी फार्मेसियों को असली नहीं मिलता। नाम तो लिख देते हैं महाभ्रंगराज तेल, लेकिन उसमें भ्रंगराज का तो कोई नामो निशानी नहीं होता, सूखा कहीं से खरीद के वो बनाते हैं, तो ये तेल इतने काम नहीं करते, कोई विशेष खर्चा नहीं है। आपको अखरोट का तेल काम में लें, और वैसे जो नारियल का तेल लगाते हैं मैं समझता हूँ कि सस्ते के अंदर वो तेल ठीक है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा देखिए लगाते नहीं हैं क्योंकि अब फैशन ने मार डाला सबको, नहीं तो तिल का तेल अपने सामने निकलवा करके और उसको लगाएं तो वो सब तेलों से सब तेलों का राजा तिल के तेल को आयुर्वेद ने माना है। पेट में खाने के लिए या लगाने के लिए या कहीं भी, ऐसा आयुर्वेद में कोई भी दवा का योग नहीं जिसके अंदर तिल का तेल नहीं डाला गया हो। तिल के तेल को सर्वप्रथम काम में लेने का लिखा गया है आयुर्वेद में कि तिल के तेल के अंदर गाय के घी जितने गुण होते हैं, लेकिन वो चिपचिपापन होता है, इस डर के मारे कोई लगाते नहीं है, तो अखरोट में चिपचिपापन नहीं होगा। और एक चीज और बता देते हैं, होम्योपैथी के अंदर आर्निका मोंटेना के नाम से हेयर ऑयल आता है, तो ये बाजार से आप दूसरे जो हेयर ऑयल खरीदते हैं बारीक वाले जो पतले हैं, तो आप आर्निका हेयर ऑयल कोई अच्छी फार्मेसी का होम्योपैथिक की दुकान से खरीदिए और उसको आप लगाइए तो आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, आप स्वस्थ रहें। देखिए, मेरा कभी अभी तक मैं बड़ाई नहीं करता, मुझे याद नहीं आया कि कभी कंघी के अंदर मेरा एक बाल भी हाथ में आया, और मेरे घर के अंदर आलम यह है कि बालों की खूब भरमार है। अब जो है वो सबके घरों की एक सी पॉइजन है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक्स।